नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के योगी सरकार के सपने को लगातार झटका लग रहा है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं जो अपराधियों की गोली का शिकार हो गए। तो वहीं सोनभद्र में जमीन विवाद, 10 लोगों की मौत हो गई, कई घायल है। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर योगी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। और सबसे पहले बात संभल की। कल चंदौसी कोर्ट में पेशी के बाद मुरादाबाद जेल लौट रहे 3 बदमाशों ने वैन के अंदर पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया था। संभल में मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर तीनों ही कैदियों ने पहले पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला, फिर उन्हीं की राइफल से 2 सिपाहियों को गोली मार दी। दोनों पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीनों कैदी बड़ी आसानी से मौके से भागने में कामयाब रहे। इस वारदात के बाद मुरादाबाद में दोनों पुलिस वालों के घर मातम पसरा हुआ है। कुछ देर पहले शहीद सिपाहियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। संभल में हुए हमले में मुरादाबाद के सिपाही ब्रजपाल और हरेंद्र सिरोही शहीद हो गए। हरेंद्र कुछ महीने में रिटायर होने वाले थे। सिपाही ब्रजपाल की बहन राखी के त्यौहार को याद करते हुए रो रही हैं। उनका कहना है कि अब वो किसको राखी बांधेगी। मेरा भैया पुलिस में ही थे सुबह ड्यूटी गए थे, गोली से मार दिया। पता नहीं इस लोगों को, हमें नहीं पता किसने मारा। ये चंदौसी में मारा, ड्यूटी थी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली, 10 लोगों की मौत हो गई। मसला जमीन पर कब्जे का है, जहां 2 गुटों में जमीन पर खून की नदियां बह गई। एक घायल का आरोप है कि ग्राम प्रधान एक दत्त ने अपने गुर्गों के साथ हमला किया। चश्मदीदों का कहना है कि 30 से ज्यादा गाड़ियों में 100 लोग आए और हमला बोल दिया। गांव में मातम छाया हुआ है और लोग डर के मारे घरों में दुबके हुए हैं। हम इस वक्त जिला सोनभद्र के उभा गांव में मौजूद हैं, जहां कल जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें 10 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हैं, जिनको इलाज के लिए रॉबर्ट्सगंज अस्पताल और वाराणसी ले जाया गया है। कईयों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पर अभी भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रामीण घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी चप्पलें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और जहाँ गाँव शुरू होता है वहाँ पर पीएसी के 2 ट्रक भी यहां पर तैनात है। पीएसी भी यहां पर लगाई गई है, क्योंकि तनाव अभी भी यहां पर बरकरार है। पुलिस के मुताबिक जो विवाद है वह 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का है, जिसको 2 साल पहले यहां के जो ग्राम प्रधान हैं यज्ञदत्त, उन्होंने एक आईएएस अधिकारी से खरीदी थी और 2 साल से लगातार वे अपनी जमीन का कब्जा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वाले लगातार विरोध कर रहे थे, क्योंकि गांव वाले इस जमीन पर पट्टे में काम कर रहे हैं। कई बार पहले भी
दोनों पक्षों में तनातनी हो चुकी है, लेकिन कल दोपहर को ग्राम प्रधान, जैसा कि बताया जा रहा है कि अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ पर आए, करीबन 15 से 20 ट्रैक्टर और ट्रॉली भरकर लोग थे यहाँ पर, और वो अपने साथ साथ हथियार भी लाए थे और जमीन पर कब्जा करने की उन्होंने कल कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाँव वालों ने विरोध किया, ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लाठी डंडे भी चले, जिसमें अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस पूरी घटना में पुलिस ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बताइए कि किस तरह ये पूरी घटना हुई, कितने बजे की घटना थी? ये लगभग समय 11 बजे का है, सुबह का, और अपने हम लोग ज्यादा नहीं, 35-40 लोग अपने खेत पे थे। वो लोग जब आए तो हम लोग इकट्ठा, एक पेड़ जामुत का पेड़ है, वहाँ हम लोग इकट्ठा हो गए। अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये लोग मारपीट करेंगे, इसके बाद आते हैं तुरंत बोलते हैं कि मैं सारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं सबको मैं बात कर चुका हूँ, आप सीधे धड़ाधड़ गोली चलाइए। ताबड़तोड़ गोली चलना शुरू हो गया। मैंने DSP को, कोतवाल को 100 नंबर पर फ़ोन किया, वो सबसे मिले जुली हुए थे। जब यहाँ से वो लोग हट जाते हैं तो फिर वहाँ से वो लोग आते हैं यहाँ पर। ये बताइए कि कितने लोग आए थे और क्या क्या उनके हाथ में क्या शस्त्र था? 300 लोग आए थे, उनके हाथ 12-14 लोगों के हाथ में राइफल बंदूक था और बाकी लोगों के हाथ में लाठी थे। और कैसे आए थे सब? ट्रैक्टर से आए, ट्रैक्टर। तो जब वो आए थे उन्होंने ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की, आप लोगों ने विरोध किया? जी उन्होंने आया तो हम लोग विरोध किया उस पर, तो बात कहाँ सुने सर, सीधे लाठी ताबड़तोड़ गोली चला रहे हैं सर, और इतना में तो हमारे गाँव के लोग सब बीच गए। आप बताइए, आपने भी इस पूरी घटना को देखा, काफ़ी खौफनाक घटना है। हाँ, क्या हुआ सर? हम वहाँ जब गए तो वो लोग पूरे ज़मीन पर कब्जा करना चाहे, तो हम लोग सोचे कि बात किससे सुलझावा जाए, इसके बाद अधिकारी कर्मचारियों को हम लोग बुलवावा जाए और इसके बाद जो भी हो अधिकारी कर्मचारी के सामने हो। लेकिन उन लोगों ने जो ही देखा कि कुछ हमारे गोल जुट रहा है, दौड़ा दौड़ा करके गोली मारने लगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।